इफ्तार पार्टी में नजर आए अखिलेश, लाल टोपी पहने दिखे सपा अध्यक्ष। मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी सपा, क्या अखिलेश को मिलेगा इसका फायदा? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से वोटरों को लुभाने की जुगत में भी लगे हुए हैं, बल्कि पूरी तरह से अब चुनावी मिशन में भी जुट गए हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बात समाजवादी पार्टी की कर ले, सभी के सभी वोटरों को मनाने में लगे हुए हैं। चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो पूरी तरह कमर कस भी ली है, या फिर ये कहें कि अखिलेश यादव दमखम के साथ चुनावी मिशन में जुटे हुए हैं। इसकी एक तस्वीर भी देखने को मिली इफ्तार पार्टी में। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा भी लिया था। इस इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव की एक अलग ही झलक देखने को मिली। दरअसल इस इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव लाल टोपी ही पहने नजर आए। हालांकि अखिलेश यादव हर साल इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका संदेश बीजेपी के MY समीकरण के लिए था। हुआ यह है कि अखिलेश यादव के लिए बीजेपी का नया चुनावी प्लान बीते दिनों में एक नया चैलेंज भी बना हुआ है। बीजेपी की चुनौती के सामने अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ यानी कि MY समीकरण को मजबूत करने के लिए ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुसलमानों पर फोकस कर रही है। बीजेपी पसमांदा सम्मेलन समेत कई और रणनीतियों पर भी काम कर रही है, जिसके बाद अब उपचुनाव और निकाय चुनाव के ऐलान के बीच अखिलेश यादव भी इफ्तार पार्टी में नजर आने लगे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिखेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटरों का साथ मिल जाएगा। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी की बजाय इस बार मुस्लिम वोटर बीजेपी का सपोर्ट करेगा और निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी होगा? इस खबर में बस इतना ही और बने रहिए VK न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। VK न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।